बार बार थोड़ी बताऊंगा यार, फाइल लाए वो फाइल बहुत अच्छी है, लिखे थे आपने पीछे कोई लिखे हुए आप करके ना जी वोटर बेसिक मोड सुविधाएँ पानी टॉयलेट लाइटिंग लाइटिंग है फिर भी ठीक है और छोटी हुई थी बाकी छोटी मोटी जो लाइटें हो एक बार एक आज हम कटवा दो तो बारिश चली गई कटवा दो अच्छा लाइट पेंटिंग कर किसकी रिपोर्ट वोटर लाइक बड़े पार्क होंगे दो ही तो जी आप सारे बड़े 10 पार्क होंगे दो भी बड़े हैं से 10 का नाम साइज वो बता दो वो एक रिपोर्ट 30 मान लो 88 मिले 30 पार्क 30-35 अच्छा आपके वार्ड में शॉर्ट हो जाए 35 पार्क का रिपोर्ट देना 10 जो है आज सिरसा शहर का जो निरीक्षण किया गया और कुछ जो सड़कों की बारे में और पार्कों की मेंटेनेंस के बारे में जो हमारे पास शिकायतें आ रही थी उसके संदर्भ में जो आज विभिन्न जगह पे आज मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया और जो है हमारे साथ जो एमसी के अधिकारी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी पब्लिक हेल्थ के अधिकारी जितने भी संबंधित विभाग के सारे जो है हमारे साथ प्रशासन जो है इसका निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्य निर्देश ये दिए कि जो हमारे मेन पार्क्स हैं करीबन 88 पार्क हैं हमारे शहर में और उसमें जो मेजर पार्क्स हैं हमारे जो 35 करीबन हैं उनको एटलीस्ट हम अगले 10 दिन में जो हमारी मूलभूत सुविधाएँ हैं चाहे पीने के पानी की होगी या थोड़ी मेंटेनेंस की होगी या लाइटिंग की व्यवस्था होगी तो इस तरह से जो निर्देश दिए गए हैं कि अगले 10-1 दिन के अंदर हम लोग इनको व्यवस्थित कर लें। और जहाँ तक कुछ सड़कों की समस्या आई थी जैसे हमारा जो नेशनल कॉलेज है और एक दो सड़कें और हैं हमारे वहाँ पे समस्या आई थी कि सड़क जो है उसकी स्थिति थोड़ी ख़राब है तो वहाँ पे जैसे कई एक जगह पे अमरुद का काम चल रहा था उसको स्पीड अप करने के निर्देश दिए गए और वो जो अधिकारियों ने बताया कि करीबन 10-1 दिन में वहाँ पर एटलीस्ट पाइप लाइन काम पूरा हो जाएगा। और एक जो हमारा बस स्टैंड के पास जो सड़क थी जो पहले काफ़ी समय से खुदी हुई थी वो बता रहे हैं कि उसमें टेंडर हो गया है और महीने भर में जो काम चालू हो जाएगा और हमारा पूरा प्रयास रहेगा पूरे प्रशासन का कि इसको टाइमली कंप्लीट करा दिया जाए। और देखिए सबसे बढ़िया सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो हमारे एक ये जो अगला महीना आ रहा है वो त्यौहारों का महीना है उस समय अगर हम लोग इन मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दें क्योंकि लोग भी बहुत निकलते हैं बाहर भी जाते हैं उसमें अगर ये फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छे स्थिति में मिले अब प्रॉपर अपकीप में मिले मेंटेनेंस मिले तो फिर मेरे ख्याल से लोगों को इसका इस्तेमाल करने में भी और बेनिफिट ज़्यादा होगा। जी प्रयास हमारा यही रहेगा कि दिवाली जो त्यौहारों के सीज़न में जो है उसके दौरान हम लोग मैक्सिमम काम हम लोग कर सकें।